तो फाइनली गाइज रियलमी की X7 सीरीज में एक और नया स्मार्टफोन बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है जो कि है रियलमी X7 मैक्स। अब गाइज ये सक्सेसर है रियलमी X7 प्रो का और X7 प्रो जो है वो गाइज इंडिया में 2 महीने पहले लॉन्च किया गया था 30,000 की प्राइस रेंज में। वो आपको मिल रहा था मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस वाले चिपसेट पर 30,000 की प्राइस रेंज में। लेकिन अब ये गाइज उसी का सक्सेसर रियलमी X7 मैक्स इंडिया में बहुत ही जल्द आने वाला है और 4 मई को इसका लॉन्च इवेंट भी दोस्तों रखा गया था इंडिया में, लेकिन कोविड के चलते इस लॉन्च इवेंट को रियलमी ने गाइज पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन अभी तक कोई भी नई डेट जो है वो नहीं फिक्स हुई है, लेकिन गाइज हो सकता है कि मई के 3rd वीक तक आपको ये स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में गाइज हम बात करेंगे रियलमी X7 मैक्स के कन्फर्म स्पेसिफिकेशन, इंडिया लॉन्च और लॉन्च डेट के बारे में। तो वीडियो में गाइज एंड तक जरूर बने रहना, साथ ही एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि फ्यूचर में हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सके। और गाइज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी ऐसे न्यूज आप लोगों के पास आ सके। तो चलिए अब हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पर डिजाइन की बात करें तो डिजाइन में ये दिखने में गाइज काफी सिमिलर होने वाला है रियलमी GT नियो के जैसा ही, जो कि रियलमी GT नियो जो कि गाइज चाइना में लॉन्च किया गया है, सेम वैसा ही डिजाइन आपको गाइज इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। और बहुत सारे लिस्टर का दोस्तों ऐसा भी कहना है कि जो चाइना में रियलमी GT नियो के नाम से स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, सेम वही स्मार्टफोन रीब्रांड होकर इंडिया में रियलमी X7 मैक्स के नाम से भी आ सकता है। अब ये हो सकता है क्योंकि गाइज इन दोनों स्मार्टफोन के जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी सिमिलर देखने को मिलते हैं, तो वो गाइज हमें आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 6.44 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है और साथ में यहाँ पर आपको मिलता है हाई रिफ्रेश रेट 120Hz का। तो यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिलता है। अब ये मैं गाइज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो शाओमी के यहाँ पर रेडमी के सीरीज में जो फ़ोन आ रहा है उसमें गाइज एमोलेड डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता है और काफ़ी लोगों को पसंद आता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पर आपको रियलमी X7 मैक्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर परफॉर्मेंस की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 वाला 5G प्रोसेसर, जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस से काफ़ी पावरफुल है। तो रियलमी X7 प्रो में आपको डायमेंसिटी 1000 प्लस वाला चिपसेट मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है डायमेंसिटी 1200 वाला 5G प्रोसेसर। तो ये प्रोसेसर गाइज पूरी तरह से टक्कर देता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 को। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेसर है वो गाइज काफ़ी पावरफुल यूज़ करा है रियलमी ने। इसके अलावा यहाँ पर कैमरा सेटअप की दोस्तों बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको बैक साइड में देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है सोनी IMX682 के सेंसर के साथ। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है और 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा आपको फ्रंट साइड में दोस्तों देखने को मिलता है पंच होल स्टाइल में। इसके अलावा गाइज यहां पर 4500 mAh की बैटरी है और साथ में मिलता है आपको 65W का फास्ट चार्जिंग। इसके अलावा ये तो बात हो गई गाइज स्पेसिफिकेशन की, लेकिन यहां पर अब बात करते हैं इस मोबाइल के प्राइस के बारे में। तो यहां पर गाइज जो चाइना में इस मोबाइल की प्राइस आई है 6GB 128GB वाले वेरियंट के लिए वो है गाइज 20,000 रुपये, और जो 8GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस आई है 22,999 यानी कि 23,000। लेकिन इंडिया में गाइज ये इस प्राइस रेंज पर बिल्कुल ही नहीं लॉन्च होगा, क्योंकि इससे पहले जो रियलमी X7 प्रो आया था उसमें आपको मिलता था डायमेंसिटी 1000 प्लस, लेकिन फिर भी वो 30,000 की प्राइस रेंज में मिल रहा है और ये तो गाइज आने वाला है डायमेंसिटी 1200 वाले प्रोसेसर पर। तो इसकी प्राइस गाइज 20,000 तो नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर 30,000 भी हमें देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि गाइज जो Redmi K40 गेमिंग एडिशन फोन आने वाला है पोको F3 GT के नाम से इंडिया में, वो कहा जा रहा है कि गाइज इंडिया में 25,000 के अराउंड आपको मिलने वाला है और उसमें भी गाइज MediaTek Dimensity 1200 वाला 5G प्रोसेसर है। तो ये स्मार्टफोन गाइज उसी फोन को टक्कर देने के लिए आने वाला है रियलमी X7 मैक्स। तो हो सकता है कि इसकी प्राइस भी आपको 25-26 के अराउंड ही देखने को मिले, क्योंकि उसी को टक्कर देने के लिए स्मार्टफोन को गाइज रियलमी लॉन्च कर रहा है। तो प्राइस दोस्तों काफ़ी यहाँ पर सिमिलर उन दोनों स्मार्टफोन की हमें देखने को मिलने वाली है। तो 30,000 के नीचे गाइज ये स्मार्टफोन हमें मिल सकता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो गाइज बहुत ही कमाल हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी गाइज जो रियलमी X7 प्रो था वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि वो यहाँ पर थोड़ा सा ओवर प्राइस हमें देखने को मिला था, क्योंकि वहाँ पर स्पेसिफिकेशन आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर 30,000 की प्राइस रेंज में कहीं ना कहीं वो सही नहीं था। तो हो सकता है कि ये स्मार्टफोन गाइज हमें 25-26 या फिर 27,000 तक इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो वो हमें दोस्तों आने वाले 10 से 12 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि 10-12 दिन में ये स्मार्टफोन गाइज इंडिया में लॉन्च हो जाएगा।
और जैसे ही लॉन्च डेट के बारे में कोई नई डेट फिक्स होती है ऑफिशियली, तो उसके बारे में भी मैं वीडियो गाइज ज़रूर से बना दूंगा। तो तब तक के लिए गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप रियलमी X7 मैक्स या फिर रेडमी K40 गेमिंग एडिशन, इन दोनों स्मार्टफोन में से किस स्मार्टफोन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो खैर मैं मिलता हूँ आपको किसी अगली ऐसी धमाकेदार न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए गाइज आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक्स मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है अगले वीडियो के लिए। तो और चैनल को भी गाइज जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना, ताकि आगे भी ऐसे और वीडियोज़ आपके पास पहुँचा सकूँ।